ग्रामीण क्षेत्र लगता है जो ग्रामीण है अपना नंदरबाड़ा भी आता है क्या? धर्मकुंडी धर्मकुंडी। अब एक बात मुझे बताइए, 10 दिन हो गए नंदरबाड़ा सब स्टेशन जो ग्राम मकोड़िया फीडर कहा जाता है, धामनी मकोड़िया बोलते हैं इसको फुटवा था, 10 दिन से लाइट नहीं जा रही पंप वाली, 1 या 2 घंटे मिलती है मकोड़िया वो देखते हैं अपने आप क्षेत्र आप यहाँ पर मौजूद हम आपसे बात कर रहे हैं, आप आए हो हमारे बीच में तो हमारी समस्या आप सुनोगे? बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, आप समस्या बताए जो भी समस्या रहेगा। तो 10 दिन से लाइट नहीं आ रही, जब एक किसान अगर कोई चोरी से मोटर चलाते पकड़ता है तो उसके ऊपर प्रकरण बना देते हो आप और हमारे जो 10 दिन से लाइट नहीं मिल रही इसका जवाब कौन देगा? किसके ऊपर प्रकरण बनाए हम 10 दिन से? हाँ 10 दिन से 1 या 2 घंटे मिल रहा है, बस पूरे दिन भर बंद पड़ी रहना। आज मुश्किल लाइट चाहिए 10 घंटे वाली, 24 घंटे में पूरे गांव को लाइट नहीं आ रही, देंगे ग्रामीण तो हमको स्वीकार है, लेकिन लाइट इतनी मिल नहीं पा रही। दूसरी कहीं आपने मेंटेनेंस के नाम पे भी बहुत ज्यादा लाइट बंद की, लेकिन मेंटेनेंस अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ। इसकी कोई समय सीमा है क्या मेंटेनेंस की आपकी? मेंटेनेंस तो हुआ, मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दी जाए, बिल्कुल मेंटेनेंस भी हुआ करा देते हैं आप अपना। नहीं हमें या तो हमें आप कोई बता दे दो, नहीं तो हम चोरी करने को बाध हो जाएंगे, जो घरेलू लाइट है उसमें डालेंगे और लिखित आपको देंगे और आपसे बोलेंगे डीप इसमें जवाबदार आप रहोगे हम ही रहेंगे। जरा भी बात कर लेना कोई ना जो भी आप हमारी बात करो, पहले हमारी बात सुनो तो कॉपी में नोट कर लेते हैं जो भी समस्या है। पहले एक मिनट ये बताइए तोड़ने फिटर आपके पास है? आप ये बताइए कोरोना फीटर में कितने दिन लाइट देते हो? 24 घंटे? हाँ वही तो। एक एक प्रश्न है, 24 घंटे घरेलू तो? हाँ घरेलू कितने घंटे देते हो? प्रावधान 24 घंटे का, हम कितने घंटे दे रहे हैं हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, मेंटेनेंस बंद होता क्या? 24 घंटे में कितने घंटे देते हो ये? 24 घंटे सप्लाई? बिल्कुल नहीं है। आप एक सुनो, कितने दिन के लिए बन के आए हो? कितने दिन के लिए? कृपया सही बोले पहली बात, ठीक है ना? क्योंकि हम जो आए हैं, सुनो, हम जो आए हैं प्रमाण के साथ, हम जो आए हैं प्रमाण के साथ आए, हम बेवकूफ लोग नहीं है जो हम जबरन की बातें कर रहे हैं। आप जवाब दें, जिम्मेवारी से दें, ठीक है ना? आप ये बताइए कि तोरनिया फीटर कितने रोज से बंद रहा, कितने रोज में मेंटेनेंस हुआ और कितने घंटे उसमें लाइट दी गई? इसका उत्तर एक जी, 2 दिन पहले बाहर कर साहब देख रहे हैं, छुट्टी छुट्टी गए तो क्या लाइट भी लेगा क्या? लाइट नहीं लेगा, बीच में मेंटेनेंस के नाते बंद हुआ था। कितने दिन? देखो मेंटेनेंस समय तो आपका निकल गया, वो तो जून होता है, वो तो जून होता है, ठीक है ना? आप जो प्रॉब्लम आ रही हो क्यों आ रही? बकवाड़ा गांव के 3 दिन से लाइन बंद है, क्या कारण है बकवाड़ा गांव की लाइन बंद होने का? धर्मकुंडी से आप बकवाड़ा की 3 दिन हवा मैदान में बता रहे हैं 22 घंटे हमको बिजली चाहिए, 24 नहीं चाहिए, आप तो लिखित में दे के हम 22 घंटे आपको बिजली देंगे, 10 घंटे पंप के लिए चाहिए, अगर बीच में कट होती है तो आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। रात में हमको आश्वासन दिए लिखित में, देखो हर बार आश्वासन देते हैं लेकिन बिजली कहाँ दे रही है हमको? अगर हमको बिजली नहीं मिली तो बिल लेने कोई भी कर्मचारी जाएगा, हम उनको बंधक में नहीं, देखो हम उसकी हालत खराब कर देंगे। अब आप बहुत हो गई, हम पैसा पूरा दे रहे हैं तो बिजली पूरी लेंगे, अब वो ऐसा ही होगा। ऑपरेटर के यहाँ रजिस्टर देखो कितने घंटे कौन से गांव में गई है, वो तो पूरा है ना दिखाओ। 3 घंटे लाइट देते हैं, पूरी रात काट लेते हैं। अच्छा सीधा तो तुम्हारा बहाना फॉल्ट है ना, एक ही शब्द होता फॉल्ट, फॉल्ट को हम क्या समझेंगे यार, हम तो पैसे लेते वक्त फॉल्ट निकल लेते हो आप लोग। 12 बजे फाइट होती है, 12 बजे रात को फाइट होती है, सुबह 6 बजे लाइन चालू हो जाती है, काम लोग नहीं चालू हो जाती है, तो फिर गांव में आप 10 घंटे लाइट फाइट के नाम से बंद करते हो और आपके पास लाइन में लोग कमी है तो आप प्राइवेट आदमी क्यों नहीं बढ़ाते हो बताओ? सही बात, नंदरबाड़ सब स्टेशन पे 1 आदमी है 32 गाँव के बीच में, तो आपको आदमी बढ़ानी चाहिए ना प्राइवेट? पूरी व्यवस्था पूरी 100% व्यवस्था है। जब बुलाओ काफी बुला रहा है, इसे बुलाओ, नहीं इसे बुला के लेके आओ, यही लेके आओ जो जो चीजें आप वो तो ठीक है,
लहर बोला, आपने आज कितने समय लाइट नहीं मिली बताया? रुपए के लिए लाइट नहीं मिल रही यार, पानी देने जो अपना पंडाल फीडर था ना, हाँ पंडाल दो दिन पहले जो है, आज की बताओ, आज आज लाइट लाइट दी है, फाइल जो है ज्यादा हो गया था ऑनलाइन पावर ट्रांसफर, तो गर्मी में करना चाहिए फाइल टिकट काम, नहीं वो जय बोल रहा है, जवाब दे दो, आज क्या स्थिति है, कल भी यही स्थिति रही, हमारी बात सुनो, कल जो है रात में 2 बजे के लगभग फाइल आया था, तो उसमें पावर ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गया, तो अपनी टीम जो है 11 बजे तक, कल भी बन रही, वही कल और आज की बता रहा हूँ, जो कल जो 2 बजे रात में जो फाइट आया था पावर ट्रांसफार्मर 2 बजे जो है दिक्कत में आ गया, 11 बजे ट्रांसफार्मर को चालू कर दी, लेकिन फाइट इतना तगड़ा था कि बिना पूरा लाइन की पेट्रोलिंग की अपन उस पर चार्जिंग नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक बार ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई थी यार, घरेलू लाइट भी नहीं मिल पा रही, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब एक ट्रांसफार्मर बड़ा दिक्कत में आ गया था, फीडर जो है अपने दूसरे करके उसको करना पड़ा था, और जब हम घरेलू लाइट है ना वो भी नहीं मिल रही, बता रहा हूँ क्या लाइने सब ऊपर लेफ्ट गएंगे ऊपर नीचे गएंगे, जब हमारे कृषि मान लीजिए फॉल्ट हो जाता है, तो जब हम उसको कोई लड़का चढ़ के काम करता है तो हमें इसको बंद कराना पड़ता है, इसमें से कि इधर से कहीं कहीं वो तो ठीक है, लाइन हुई थी तो आपने क्यों नहीं देखा कि ये लाइन क्रॉस एक दूसरे कर रही थी, पहले ये व्यवस्था करना था ना, उनको दूर करना था, जब बिजली की समस्या हल्का बोल ये बताइए आप तो, हाँ बस कल से करवा देंगे, कल से लिपॉप नॉर्थ एक फीडर बंद और आप दो फीडर बंद करते हो, नोट करो, नंदन वाला सब स्टेशन से, और पहले तो आपको लिखो, एक नंबर बोला दूसरा बोलो, नंदरबार सब स्टेशन से मकोड़िया धामनी फीडर, बगड़ाल फीडर है ये नारकोला, एक मिनट तो पहले तो आप चाहे फोन व्यवस्था रखे तो कोई उसको कर ले यार भैया, कौन कौन को फोन लगा लाइट बंद रही, नंदरबाड़ा से लिख रहे ना, नंदरबाड़ा से धामनी मकोड़िया फीडर खेत वाला और घरेलू दोनों, जिसमें धामनी मकोड़िया खेत वाला फीडर आए दिन बंद रहती लाइट, खेत का आखिरी गांव कहीं भी जंपर काट लिया जाता है और उसको बंद